इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है और WDMMA द्वारा रिलीज की जाने वाली लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में इंडिया चाइना को पीछे करते हुए तीसरे स्थान पर है। इतनी बड़ी एयरफोर्स को मेंटेन और इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और आज की वीडियो में हम IAF के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन एयरफोर्स के चीफ या फिर बोल सकते हैं द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एक 4-स्टार रैंक ऑफिसर होता है और फिलहाल गवर्नमेंट ने इस पोजीशन पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को अपॉइंट किया हुआ है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी द्वारा असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। इंडियन एयरफोर्स 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स में डिवाइडेड है। ऑपरेशनल कमांड्स का उद्देश्य होता है विद इन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरक्राफ्ट की मदद से मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करना, वही फंक्शनल कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉम्बैट रेडीनेस मेंटेन रखना। हर एक कमांड को AOC इन सी यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा हेड किया जाता है जो कि एक एयर मार्शल रैंक ऑफिसर होता है। पांचों कमांड और ट्रेनिंग कमांड के AOC इन सी को सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डायरेक्टली असिस्ट किया जाता है। वही मेंटेनेंस कमांड में AOC इन सी के अंडर सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर, एयर ऑफिसर इंचार्ज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सीनियर एयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफिसर आते हैं। कमांड के बाद आता है विंग। विंग एक फॉर्मेशन है जिसमें जनरली 2-3 IAF स्क्वाड्रंस, हेलीकॉप्टर यूनिट्स और फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स मौजूद होती है। यूजली एयर कॉमोडोर रैंक ऑफिसर एक विंग को कमांड करता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स में टोटल 47 विंग्स और 19 फॉरवर्ड बेस यूनिट्स मौजूद हैं। स्टेशंस, हर एक ऑपरेशनल कमांड के अंडर 9-16 बेसेस और स्टेशन मौजूद होते हैं। स्टेशन स्टैटिक्स यूनिट्स होते हैं जो विंग से छोटी होती है पर सिमिलरली ऑर्गेनाइज होती है और इन्हें ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाता है। अब आता है स्क्वाड्रंस एंड यूनिट्स। स्क्वाड्रंस स्टैटिक लोकेशंस पर अटैच्ड फील्ड यूनिट्स और फॉर्मेशंस होती है। फ्लाइंग स्क्वाड्रन और यूनिट एक एयरफोर्स स्टेशन की सब यूनिट होती है जो इंडियन एयरफोर्स के प्राइमरी टास्क परफॉर्म करती है। किसी भी फाइटर स्क्वाड्रन में करीब 16-18 एयरक्राफ्ट होते हैं और सभी फाइटर स्क्वाड्रन को कमांडिंग ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है जो यूजली विंग कमांडर रैंक ऑफिसर होता है। पर कुछ ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर यूनिट्स में कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफिसर है। फ्लाइट्स स्क्वाड्रन के सब डिविजन है जिसे स्क्वाड्रन लीडर रैंक ऑफिसर द्वारा कमांड किया जाता है। हर एक फ्लाइट में 2 सेक्शंस होते हैं। वही सेक्शन IAF में स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट द्वारा लीड किया जाता है। हर एक सेक्शन में 3 एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंडर IAF के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कई सारी ब्रांचेस मौजूद हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर 5 ऑपरेशनल कमांड्स, उनके हेडक्वार्टर्स और इंडिविजुअल कमांड्स के अंडर आने वाले एयर बेसिस की बात करें तो IAF की 5 ऑपरेशनल कमांड है। CAC यानी सेंट्रल एयर कमांड जिसके हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। CAC में मौजूद एयर बेसिस की बात करें तो इसमें आगरा, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज और ग्वालियर एयर बेसिस शामिल हैं। वही कुछ यूनिट्स नागपुर, कानपुर, बिहटा, दरभंगा, नैनीताल, मेमोरा और वाराणसी में भी मौजूद है। CAC मिराज 2000, जैगवार और Su-30 MK फाइटर्स, AN-32, IL-76 और डॉर्नियर DO-228 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और Mi-17 एंड Mi-26 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है। EAC दैट इज ईस्टर्न एयर कमांड और इस कमांड का हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग में मौजूद है। अब अगर EAC में मौजूद परमानेंट एयर बेसिस की बात करें तो इसमें छबुआ, गुवाहाटी, बागडोगरा, बैरकपुर, हशीमाराम, जोरहाट, कलाईकुंडा और तेजपुर एयर बेसिस के साथ ही अगरतला, कोलकाता, पानागढ़ और शिलोंग भी शामिल है एज फॉरवर्ड एयर बेसिस। ईस्टर्न कमांड के बेड़े में मौजूद एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें Su-30 MKI, रफेल, एवरो, C-130 हरकुलस, AN-32 एयरक्राफ्ट और Mi-17, HAL ध्रुव और HAL चेतक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। SAC दैट इज साउदर्न एयर कमांड। SAC के हेडक्वार्टर केरला के थिरुवंतपुरम में है। SAC के बेसिस कार निकोबार, सोलुर और थंजावुर में मौजूद है जो कि HAL तेजस, Su-30 MKI, AN-32 एयरक्राफ्ट और Mi-17 V-5 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है। SWAG दैट इज साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जिसके हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में मौजूद है।
साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में मौजूद एयर बेसिस की बात करें तो इसमें भुज, जैसलमेर, नलिया, जामनगर, जोधपुर, बारमेर, पुणे, वडोदरा, अहमदाबाद, नाल, सूरतगढ़ और उत्तरली एयर बेसिस आते हैं, जो MiG-21, MiG-29, Su-30 MKI, जैगुआर, एवरो, IL-76 एयरक्राफ्ट और Mi-35 एंड HAL चेतक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करते हैं। लास्ट ऑपरेशनल कमांड है WAC, दैट इज वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एयर कमांड है। इस कमांड में टोटल 16 एयरफोर्स बेसिस है, जिसमें 10 परमानेंट एयरफोर्स स्टेशन है और 6 FBSU, दैट इज फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स। अगर एयर बेसिस की लोकेशन की बात की जाए तो अदमपुर, अम्बाला, अवंतीपुर, चंडीगढ़, हलवाड़ा, हिंडन, ले, श्रीनगर, पालम और पठानकोट में परमानेंट एयर बेसिस मौजूद हैं, वही अमृतसर, बठिंडा, सरसावा, सिरसा, सियाचिन ग्लेशियर और उधमपुर में फॉरवर्ड बेसिस सपोर्ट यूनिट्स मौजूद हैं। वेस्टर्न एयर कमांड के बेड़े में मौजूद एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें MiG-21 बाइसन, डेसॉल्ट रफेल, MiG-29, Su-30 MKI, जैगुआर, AN-32, एवरो, डॉर्नियर, IL-76, ग्लोमास्टर एयरक्राफ्ट और Mi-26, HAL चीता, HAL ध्रुव, Mi-17, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर सुब्रोतो पार्क, न्यू दिल्ली में मौजूद है। इन 5 ऑपरेशनल कमांड के अलावा IAF में 2 फंक्शनल कमांड भी मौजूद हैं, दैट इज ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। ट्रेनिंग कमांड के हेडक्वार्टर बेंगलोर में मौजूद है, वही मेंटेनेंस कमांड का हेडक्वार्टर नागौर में है। मेंटेनेंस कमांड में 9 बेस रिपेयर डेपोज मौजूद हैं, जिन्हें BRD के नाम से जाना जाता है, दैट इज 1 BRD कानपुर, 2 BRD ग्वालियर, 3 BRD चंडीगढ़, 4 BRD कानपुर, 5 BRD कोयम्बटूर, 7 BRD तुगलकाबाद, 9 BRD पुणे, 11 BRD ओझर और 18 BRD जोधपुर। अब इंडियन एयरफोर्स में डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सर्विस ब्रांचेस मौजूद हैं, जिन्हें हम ब्रॉडली 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। हर एक ब्रांच को फर्दर सब स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फ्लाइंग ब्रांच की सब स्ट्रीम है फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स। टेक्निकल ब्रांच में 2 सब स्ट्रीम है, दैट इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में 5 सब स्ट्रीम है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और मीटियोरोलॉजी। इन सभी ब्रांचेस के अलावा IAF की सिक्योरिटी ब्रांच के अंडर गरुड़ कमांडो फोर्स भी आती है। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसमें करीब 1800 टू 2000 कमांडो शामिल हैं और इसका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस, यानी प्रहार से सुरक्षा। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में मेजर एयरबेस पर हमले के बाद एक ऐसी स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई जो ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर सके, तो इस तरह से अक्टूबर 2002 से स्पेशल यूनिट को बनाने पर काम शुरू हो गया। स्टार्टिंग में इस यूनिट का नाम था टाइगर फोर्स, जिसमें करीब 2000 कमांडोज शामिल थे। पब्लिकली गरुड़ कमांडोज को 8 अक्टूबर 2004 में एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के टाइम पर देखा गया। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग पैरा स्पेशल फोर्स और मार्कोस के कंपैरिजन में काफी लंबी होती है, पर इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस गरुड़ का फ्यूचर में प्राइम टास्क होगा, ताकि शॉट डाउन होने पर पायलट को एनमी टेरिटरी से रेस्क्यू कर सके। इसके अलावा IAF की खुद की डिस्प्ले टीम भी है, सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी सूर्य किरण डिस्प्ले टीम और SKAT में पायलट्स का सिलेक्शन किस तरह होता है इस पर वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, इसलिए आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। वीडियोस का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वही अगर सारंग की बात करें तो सारंग इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर एयर डिस्प्ले टीम है, जो 4 मॉडिफाइड HAL ध्रुव के साथ परफॉर्म करती है। इस टीम को अक्टूबर 2003 में फॉर्म किया गया था और इनिशियली ये 3 हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम थी, पर 2004 से ही सारंग डिस्प्ले टीम 4 हेलीकॉप्टर्स के साथ परफॉर्म करने लगी थी, और उसी साल इस टीम ने अपना पहला परफॉर्मेंस एशिया एरोस्पेस शो सिंगापुर में किया था। 2005 में इस यूनिट को इंडक्ट किया एज 151 हेलीकॉप्टर यूनिट एट एयरफोर्स स्टेशन येलहंका, और 2009 में इस यूनिट को एयरफोर्स स्टेशन सुलूर में शिफ्ट कर दिया गया। ये टीम एरो इंडिया और एयरफोर्स डे पर रेगुलरली परफॉर्म करती है, और बिल्कुल सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की तरह इस टीम के लिए भी बस हाईली स्किल्ड पायलट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि तीनों डिफेंस फोर्सेस, सिविलियन डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पेस और इसरो ज्वाइंटली एक इंटीग्रेटेड स्पेस सेल ऑपरेट करते हैं। ये कमांड
कंट्री के स्पेस बेस्ड एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं फॉर मिलिट्री पर्पस, और ये एरोस्पेस कमांड से डिफरेंट है जिसमें एयरफोर्स ज्यादातर एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। इंडिया की पहली और इकलौती ट्राई सर्विस कमांड यानी अंडमान एंड निकोबार कमांड में भी इंडियन एयरफोर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। तो ये था इंडियन एयरफोर्स का कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल। चेक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।